बात सुनो। हाँ। मैंने अम्मी से बात की है, यहाँ कुछ दिन रुक सकती हूँ अब मैं। वाकई में उन्होंने क्या कहा? गुस्सा हुई थी बस। माफ करना। जी हेलो। डॉक्टर साहब जल्दी से यहाँ आ जाएं प्लीज। क्या हुआ? मेरी बीवी की हालत खराब है, वो दर्द से चीख रही है। खुदा के वास्ते जल्दी आए। परेशान मत हो, ये बताएं कि आप लोग कहाँ हैं? हम घर में हैं, वो चल नहीं सकती। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? कल जहाँ हम गए थे वहाँ एक मरीज की बीवी की हालत खराब है। क्या एम्बुलेंस नहीं भेज सकते? मुझे खुद जाना होगा। ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ में। ठीक है आ जाओ तुम। तुम अपनी बीवी के पास जाओगे ना? मैं बात करता हूँ। अच्छा होगा सर। सिपाही अली तपे। जनाब नाजमी साहब गाड़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पे गांव जाना है। ठीक है उनको जाने दो, मैं बात कर लूंगा चीफ से। नाजमी साहब के साथ एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद है जनाब, कुल दो लोग हैं। क्या नाम है उस डॉक्टर का? बाहर है उनका नाम। सर मुझे इजाजत दीजिए मैं जाता हूँ। क्या वो तुम्हारी मेहमान है? जी सर बिल्कुल। अली हैदर को अपने साथ ले जाओ, वो उस इलाके को जानता है, अकेले मत जाना। मैं आ रहा हूं जनाब, अकेले मत जाएं। क्या बात है, कोई मसला है क्या? कमांडर इसकी बीवी उम्मीद से है। मेरे वालिदैन उसके साथ हैं, इस इलाके को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं मुख्तसर रास्ता जानता हूं। तुम वाकई जाना चाहते हो अली हैदर? चाहो तो अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इसके बाद चला जाऊंगा, फिक्र मत करें जनाब। सबर से काम लो बेटी, एम्बुलेंस को बुलाया है? हाँ हाँ बुला लिया। सबर करो बेटी, सबर करो। अली हैदर को फोन कर ले बाबा प्लीज। ठीक है बेटा ठीक है। माफ कीजिएगा जनाब, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, वहां जाने का ये एक ही रास्ता है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारा काम भी लोगों को जिंदा रखना है। तुम तो जाने वाली थी ना? मैं कुछ दिन और यहीं रुकने वाली हूँ। हाँ हेलो। हेलो बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? फातिमा की हालत बहुत खराब है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। एम्बुलेंस बुलाई आपने? बिल्कुल एम्बुलेंस बुला ली है हमने। हॉस्पिटल ले जाने के लिए? वो तुम्हारा पूछ रही है। मैं काम पर हूँ बाबा जान, नहीं आ सकता। तुमने तो कहा था तुम आओगे। मुश्किल है, फातिमा पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले है। या अल्लाह। ठीक है मैं फिर तुम्हें बताता रहूंगा। मैं अच्छी खबर का मुंतजर हूँ, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज बाबा जान। क्या हुआ? किस्मत अजीब है, मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। वाकई? तो तुम हमारे साथ क्यों आ गए? डॉक्टर साहिबा मेरी बीवी अस्पताल में होगी, वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे। हमारा काम उन लोगों की मदद में आपको सहूलत फराहम करना है, क्या इससे भी अहम कोई काम हो सकता है? हटो तुम। ठीक है मेरी बेटी ठीक है, सबर करो, बस सबर से काम लो तुम। तौलिया पकड़ाओ। और गर्म पानी चाहिए होगा।
क्या तुम कर सकती हो ये? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसके पास मेडिकल की आला डिग्री मौजूद है। डरो मत, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत है। तुम लोग अब बाहर चले जाओ, बस अब बहुत आसान है, तुम बस जोर लगाओ, शाबाश जोर लगाओ। इंशाल्लाह तुम देखना बच्चा सेहतमंद होगा हाफिज। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह। बदकिस्मती से हमने बच्चा खो दिया।